राधे राधे। आज जातक की कुंडली में ग्रहों की श्रृंखला में चर्चा करते हुए आज हम लोग बृहस्पति ग्रह की चर्चा करेंगे। बृहस्पति हमारी कुंडली का एक बड़ा प्रमुख ग्रह है। बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं। बृहस्पति हमारे भाग्य का कारक ग्रह है। बृहस्पति हमारी धार्मिक भावनाओं को, हमारे जीवन में आध्यात्म को, भक्ति को, ज्ञान को नियंत्रित करता है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति शुभ है, उच्च का है, अच्छे ग्रहों के साथ अच्छे भाव में स्थित है, तो वो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में अगर जाता है तो बहुत ऊंचाई लेता है। वह व्यक्ति ज्ञानी होता है, धर्म पर चलने वाला होता है। उसके बड़े भाई उसके प्रति विशेष स्नेह लेकर जीते हैं। उसके अंदर दान का शौक होता है, संतान परोपकार आदि में अग्रणी होता है। बृहस्पति यदि अशुभ या कमजोर या शत्रु क्षेत्री हो तो ऐसी स्थिति में उसके काम जल्दी जल्दी बनते नहीं हैं। छोटे छोटे कामों में भी अड़चन आती है, उसको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता और जीवन में एक अलग तरह का संघर्ष और निराशा का जीवन बनने लगता है। बृहस्पति धनु राशि में और मीन राशि में स्वग्रही होते हैं। कर्क के बृहस्पति उच्च के कहलाते हैं और मकर राशि में बृहस्पति नीचस्थ होते हैं। बृहस्पति संतान के कारक है। बृहस्पति अगर अच्छे हैं, शुभ हैं, तो उसे अपने जीवन में संतान से विशेष सुख की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ईशान दिशा के स्वामी हैं। जाति ब्राह्मण, धर्म व नीति के महान पंडित हैं। पीले रंग हैं और बृहस्पति का रत्न पुखराज है। बृहस्पति के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने से, बृहस्पति को गाय को केला खिलाने से या चने की दाल भीगी हुई एक कटोरी, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर यदि गाय को खिलाएं तो विशेष लाभ होता है। बृहस्पति एक सात्विक धार्मिक ग्रह है। उससे आत्मा हमेशा अच्छी चीजों का चयन करती है, अच्छे लोगों का चयन करती है। बृहस्पति यदि नीचस्थ हो तो ऐसे जातक की कुंडली में एक विशेष प्रकार के योग का निर्माण होता है। नीचस्थ बृहस्पति आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा करता है कि आप एक आइडियल की तलाश करते हो। आप अपने जीवन में किसी मेंटोर की तलाश में रहते हो और जिसको भी अपने जीवन का आप आइडियल मान लेते हो या मेंटोर मान लेते हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हो। यहां यह जरूर ध्यान देना होगा कि यदि वो व्यक्ति एक अच्छे चुनाव में है, किसी अच्छे व्यक्ति का चुनाव आपने कर लिया, तो ऐसा व्यक्तित्व तो आपके जीवन में बहुत सहजता और बहुत प्रकार के सुख का निर्माण कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर हमारा चयन किया हुआ व्यक्तित्व अच्छा न हुआ तो जीवन में काफी पीड़ा और हानि का सामना भी करना पड़ता है। बृहस्पति यदि अशुभ हो, शत्रु क्षेत्री हो ऐसे में या नीचस्थ हो तो ऐसे में कब्ज आदि की शिकायत रहती है। टाइफाइड, चर्बी बढ़ना, मोटापा, किडनी से संबंधित रोग आदि का कारण भी बनता है। इस प्रकार जब कभी भी बृहस्पति पीड़ा दे या आपको बृहस्पति से अतिरिक्त लाभ लेना हो तो पुखराज धारण करना बहुत अच्छा रहता है। बृहस्पति की मां दशा हो तो पुखराज धारण करें, पीली वस्तु का थ बृहस्पतिवार को दान करें, गाय को भीगी चने की दाल एक कटोरी, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर खिलाएं। यह चीजें आपको बहुत लाभ देंगी। महाविष्णु की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जप करें,
ये आपके तमाम जीवन में कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में हम शुक्र पर चर्चा करने के लिए आपके साथ भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधा।